उस चुनाव से सीख लेना चाहिए। ये लोग सिर्फ मौन थे तो कुल्ली या गोपालगंज दोनों अभी से भी नहीं समझती है तो आने वाले दिन पार्टी के लिए बहुत बुरा हो, बस इतना हम जानते हैं। काफी बुलंद हौसला है तमाम सभी सिपाहियों का, साहब के चाहने वाले जितने सिपाही आप देख रहे हैं, इसमें सेना और सेनापति जितने लोग देख रहे हैं ना, सबका बुलंद हौसला है और बुलंद हौसले के साथ हम लोग एक एक कदम आगे मैडम के साथ। और ये जो कारवा देख रहे हैं ना, ये अभी टेलर है, हम लोग उस दिन से भी कह रहे हैं। अभी हमको लगता है कि दूसरा दिन आज मैडम निकले, एक दिन ढाका के धरती पर गई थी और आज जो है सो पुनः हम लोग छपरा से भी जबरदस्त आज निकला। यही बात है केवल लोगों को जैसे संदेश मिलते जा रहा है। अभी हम लोग 10 बजे से चले हैं, जरा अंदाजा लगा लीजिए कि 10 बजे से चले, हमको लगता है कि 60 किलोमीटर दूरी आने में अभी लगता है कि 2 बज रहा है। तमाम जो जगह थे, चौक चौराहे थे, वहाँ भी मैडम का जो स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ जो उनके समर्थक है चाहने वाले हैं, हर एक जगह उनको रोक कर 2-2 मिनट का वक्त लिया गया, इसलिए कि उनका प्यार जो है साहबुद्दीन साहब का जो अभी भी बरकरार। यही बात हम लोग कह रहे हैं बार बार आपके माध्यम से, तमाम हम लोग ये कहने का हम लोग बता भी रहे हैं कि साहब के चाहने वाले केवल सिवान तक सीमित नहीं है, और बात अब केवल सिवान तक नहीं आ जाती है, पूरे बिहार का मामला है। आप देखे अब हम ढाका के धरती पर हम लोग गए थे, तमाम वही मूवमेंट, तकरीबन रास्ते में 20 जगह तमाम उन मालिकों का हुजूम अपने एक झलक पाने के लिए, नेता के लिए, हेना साहब का एक झलक मिलेगा। और हम जैसे लोग तमाम ये चल रहे हैं, तमाम हमारे मुखिया जी जितने भी फॉलोअर देख लीजिए, लंबा कतार है। अब हम लोग खुद ही नहीं देख पा रहे कि आगे कहाँ है पीछे कहाँ है, अब हम लोग कितना नंबर पे, हमको भी एहसास नहीं, हम लोग 200 नंबर पे, कहाँ नंबर पे। ये मोहब्बत नेता के साथ जो ताकत दिख रहा है पूरे बिहार का, यही वस्तु स्थिति है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो लोग अभी भ्रम पाल के बैठे थे उनको यह भ्रम दूर करने का यह वक्त आ गया है, क्योंकि जब मैडम निकली हैं तो बिहार में एक नया सियासत होगा, बिहार में एक नया परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन उनके लोगों का परिवर्तन होगा, उनका जो व्यवस्था बनेगा, तमाम उनके चाहने वाले लोगों का व्यवस्था बनेगा। टेलर है, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, उस दिन भी हम कहे थे कभी यह झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैडम को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए, उसमें हम उस दिन जवाब दिए थे बड़े आदर के साथ। पूर्व माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी का बयान हम लोग सुने थे कि शक्ति का एहसास दिलाना चाहिए। शक्ति का एहसास दिलाने का मामला नहीं है, पूरे बिहार में जबरदस्त साहब का शक्ति है, केवल सहेज देने की जरूरत है। जब पक्ति में खड़ा हो जाएगा ना तो दिखने लगेगा, लोगों का प्यार दिखने लगेगा, वो शक्ति बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि किस प्रकार जो आगामी चुनाव जो आने वाले हैं 2024 में, तो क्या लगता है इस प्रकार जो अभी पूरे बिहार में, पूरे बिहार में भाई लोग, पूरे बिहार में चलेगा, केवल यहीं तक मामला नहीं है, धीरे धीरे काफिला आगे चल रही है, हम लोग भी चलते रहेंगे, और पूरे बिहार का मामला है, पूरे बिहार में चलेगा। देखिए मुखिया जी, हमारे नजदीक सैकड़ों गाड़ियों के साथ हिमेश साहब का कटला निकला हुआ है, और हमारे साथ देख रहे हैं डब्लू खान, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, साथ में क्या कुछ कहिएगा, सैकड़ों गाड़ियों के साथ मैडम निकली हुई है, तमाम जगह जो देखने को प्यार मिल रहा है। सारण के खेल प्रेमियों ने इनको बुलाया है आज, हौसला बढ़ाने के लिए मैडम आई हुई है। अरे ऐसा लगता है कि साहबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बावजूद भी आज भी प्यार उतना ही दिखाई दे रहा है, कहीं उससे ज्यादा, जो उन्होंने बुनियाद डाल दिया है, हम लोगों को उस बुनियाद पर छत बनाने की जरूरत है। कहीं कोई बात नहीं है मैडम, विरोध निकलती है, हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर पड़ते हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से 2024 का जो चुनाव है, और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव उपचुनाव हुआ गोपालगंज में, उसमें जो हिना साहब को दरकिनार किया गया है, तो इस पर प्रभाव पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए पार्टी को उस चुनाव से सीख लेना चाहिए, ये लोग सिर्फ मौन थे तो कुल्ली या गोपालगंज दोनों गया। पार्टी अगर अभी से भी नहीं समझती है तो आने वाले दिन पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा, बस इतना हम जानते हैं, पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि साहबुद्दीन साहब ने इस पार्टी के लिए कितना कुर्बानी दिया है, हमसे कहीं नहीं छुपा है, ना इस देश से छुपा है, ना इस राज्य से छुपा है, ना पार्टी वर्करों से छुपा है। लेकिन कुछ राजद के जो बड़े नेता हैं, हिना साहब का नाम लेने से कतरा रहे हैं। जो कतरा रहा है कतरा है, उससे हम लोग का क्या फर्क पड़ने वाला है, उस परिवार पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये लोग जहाँ निकलेगा करवा बनते जाएगा। तो क्या लगता है लोगों का जो आंकड़ा है, लोग ये भी मानने के लिए तैयार है, तय कर रहे हैं, अपने अंदर आंकड़े निकाल रहे हैं कि मैडम
अलग पार्टी बनाने के लिए बनाएंगी या किसी और पार्टी में जाएंगी, इसमें क्या करेंगे? ऐसा कहीं कुछ नहीं है मैडम, अभी कहीं ऐसा कुछ करने नहीं जा रही हैं। बिहार का ये सच है कि दौरा करेंगी, साहबवादी लोग जो साहब को मानने वाले लोग हैं उनकी क्या मानता है अभी जान रही हैं, वक्त आएगा जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। मतलब लोगों का जो अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, जिस प्रकार से सभी का राय लेकर वो अपना कदम उठाएंगे, लोग यही चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारे साहब लोगों का सेवा करते थे, सेवा किए, उसी तरह बिहार की जनता, सिवान की जनता चाह रही है कि वह परिवार लोगों की सेवा करे। आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों का उत्साह देख रहे हैं, इससे ये लगता है कि लोग चाह रहे हैं कि राजनीति में हमेशा ये परिवार सक्रिय रहे ताकि लोग सेवा करें। आगे भी दिखाएंगे किस तरह से हिना साहब का जो स्वागत है पड़ाकों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ किया जा रहा है। प्रखंड प्रमुख है और यहाँ पे कृषि हर रियास के जो मुखिया है अनूप यादव, उनके जो भाई हैं सैलेश जी, भी मौजूद। क्या कुछ कहिए, हम लोग प्रोग्राम है मैडम का जी, साबिन साहब के चाहने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उनके नहीं रहने के बाद, शुरुआत हो जाने के बाद, साहबुद्दीन साहब एक के इतिहास राज के चल गया, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। साहबुद्दीन साहब एक विचार थे, अच्छा यहाँ पर किशनगंज के जो प्रखंड प्रमुख है वो भी हैं। आप लोग जिस प्रकार से हिना साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और जिस प्रकार से देख सकते हैं जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे हिना साहब, क्या कुछ अलग करने जा रही है क्या? जा रही है मैच में, उनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, पूरा जनता लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि मैडम बिहार भ्रमण पे निकली हुई है, नहीं ऐसी कुछ बात इनसे बात करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो समर्थक है ये आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहिएगा वसीम भाई, जिस प्रकार से मैडम का क्या सुना निकला हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया, काफिला निकला हुआ मैडम का मैच को उद्घाटन लोग जा रही है और हम लोग भी उनके साथ जा रहे हैं और जितने भी चाहने वाले हैं उनको विचार का फॉलो करने वाले हैं, उनके सिद्धांत को फॉलो करने वाले जो है उनके साथ जा रहे हैं, हम लोग ऐसे मैडम को ताकि जो रुका हुआ प्रोग्रेस है सिवान का वो फिर से प्रोग्रेस करे सिवान।